हमारे यहाँ तो ऐसा माना गया है कि जब तक कोई चीज लंदन और अमेरिका रिटर्न न हो जाए तब तक हम स्वीकार नहीं करते। नीम हमारा था तो हमको अच्छा नहीं लगता था, हल्दी हमारी थी पेटेंट करा लिया तो हमको अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे सारे हिंदुस्तानी चीजों को जब विदेशी पेटेंट करा लेंगे और हमें वापस देंगे तो हमको लगेगा ये लंदन से आया है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। विवेकानंद के विषय में मैं आपको बताऊं, विवेकानंद जब तक बंगाल में थे उनको कोई नहीं जानता था, कोई समझता नहीं था, अच्छे से बात भी नहीं करता था, उनको बोलता था पागल गुरु का पागल चेला। पागल हो गया ये आदमी, अपने माता अपने भाई बहनों का ख्याल नहीं रखता, एक पागल के पीछे पड़ा हुआ है, चौथी क्लास फेल रामकृष्ण परमहंस के पीछे पड़ा हुआ है। पर वही विवेकानंद जब शिकागो से लौट के आए तो पूरा बंगाल कहने लगा अमर विवेकानंद, अमर विवेकानंद, अमर विवेकानंद। जब अमेरिका रिटर्न हो गए तो विवेकानंद स्वीकार्य हो गए, जब भारत की गलियों में थे तो स्वीकार्यता नहीं थी। मैं यही कह रहा हूं कि यहां के युवा पीढ़ी अगर अपने धर्म को स्वीकार कर ले अच्छे से तो हमारे धर्म में अवसाद का कोई जगह नहीं है। हमारा धर्म निराश नहीं, हमारा धर्म महारास में चलता है। निराश कोई और है, महारास में हम हैं। हमारा धर्म अवसाद नहीं, प्रसाद बांटना है, सुख का प्रसाद, आनंद का प्रसाद। तो प्रसाद चाहिए तो धार्मिक होना होगा, अवसाद और विषाद चाहिए तो पाश्चात्य का अंधा अनुकरण करके देश कहां पहुंच गया आपको पता ही है।